वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरद्वारा दमदमा साहिब पातशाह छेवीं श्री गुरु हरगोबिंद साहब। सत्संग जी, आपां अज तुहानू दर्शन करा रहे हैं गुरद्वारा दमदमा साहिब श्री हरगोबिंद साहब जिहड़ा बिल्कुल ब्यास दरिया के कंढे ते सोभित स्थान है, तो उहदे दर्शन तुहानू आपां कराने अज। तो सत्संग, ये गुरुद्वारा साहब श्री हरगोबिंदपुर साहब जिहड़ा ब्यास तो लंघे वाले पासे नूं बनिया होया स्थान है, तो साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की जो पवित्र शोभ प्राप्त स्थान। सो ये जिहड़ा गुरद्वारा चीफ खालसा दीवान के अंदर आता है, तो उ इत्थे सेवा करा रहे हैं, तो तुहानूं आपां दर्शन कराने जा रहे हैं जी अज। गुरद्वारा साहब पातशाह छेवीं साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाँ से बनिया श्री हरगोबिंदपुर साहब। सो इधर स्कूटर पार्किंग है, इधर बड़ा एंट्री गेट है जो आप शहर तो बाहर निकलते हैं, तो इधर से मीरी पीरी के स्थान दिया दो जो निशान साहब सुशोभित हैं। कई बार आप अगे भी आए इतने पर सानू ये गुरद्वारा साहब के अंदर आने का पहली बार मौका मिले। अज इधर जरा जी पूरा हिस्से का इतिहास लिख के रखा हुआ, तो ये लिखा जी संकेव इतिहास गुरद्वारा दमदमा साहब पातशाह छेवीं। लिखा जी चौमासे के दिनों में श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी श्री करतारपुर साहब तो ब्यास दरिया के किनारे विचरते हुए दुआबे वाले पासे तो दरिया पास ब्यास पास करके रोहेले नगर के उच्चे स्थान पर डेरा लाया। पहला इस स्थान संमत 1644 ईस्वी में गुरु साहब अर्जन देव जी ने अबार किया। बाद में चंदू की शहर भगवान दास घरेड़ खत्री ने कब्जा कर लिया। जदों श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने संमत 1687 डेरा लाया, इस स्थान गुरुद्वारा ग्रंथियों के नाम नाल प्रसिद्ध है। तो भगवान दास घरेड़ ने गुरु जी का विरोध किया, गुरु साहब नूं मंदे बोल भी बोले, जिस करके गुरु साहब का हुक्म लैके सिखां ने इसकी खूब मार कटाई भी की, दरिया में सुट दिता। आपने पिता की खबर सुन के घरेड़ का पुत्र रतन चंद पापी चंदू का पुत्र करमचंद नूं लैके जलंधर दे सूबे अब्दुल खान को जा प्रेयर की। इन्हां दी गल मन के अब्दुल खान ने 15,000 फौज ला के गुरु जी ते हमला कर दिता। कहते जी 3 दिन भयानक जंग होया, जिस विच अब्दुल्ला खान उसका पुत्र नबी खान कवरीम बख्श ते 5 जरनैल समेत फौज मारी गई। गुरु साहब जी की फतेह हुई। गुरु जी ने उस स्थान से कमर कस्सा खोलिया, दम लिया, तो उस थान तो उसका नाम गुरद्वारा दमदमा साहब पै गया। तो इस स्थान पर गुरु जी ने पंडित नित आनंद पासों कथा भी करवाई थी। इतने ही बाबा जानी शाह ने उपदेश दिता, गढ़िया आ सिखां नूं प्रचार करने वास्ते भेजा। शहर में गुरु जी ने मसीत धर्मशाला लंगर हाल से खूह लगवाए। इतने ही बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी गुरु साहब दर्शन करने आए सन। इस नगर तो ही गुरु साहब जी बाबा बुढ़ा जी अंतम समय रमदास गए सन। सो सात संगत तुम आप दिखा रहे हैं जी गुरुद्वारा दमदमा साहब पातशाह छेवीं। वाह इतू सात संगत दर्शन करने वास्ते तुसी चरण धो के दरगाह सब उत्ते सच्चे कर सकते हो जी। तो ये जी आप एंटर हो रहे हैं गुरद्वारा साहब के अंदर। सो उस तो पहला कि आप अंदर जाइए, इधर दिखा रहे हैं जी इधर सरोवर भी बनया होया, तो सरोवर के इनान कर रही संगत। उधर बीबिया के नहाने वास्ते एक अंदर इंटरनल बा कह लिए कि सरोवर है जी। सो इस टाइम कुछ बच्चे इतने दर्शन करना, इधर सेवा चल रही जी सरोवर साहब की सेवा कर रहे सिंह। तो इधर गुरद्वारा साहब जी गुरु साहब के जिते भी स्थान बने जी, तकरीबन 2 निशान उत्थे मीरी पीरी साहब के जिदा कहते मीरी पीरी दियाँ 2 तलवारां ना, 2 निशान साहब जरूर होंगे आ गुरद्वारा साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शन करते इतने टेक करा के तुसी अपनी
प्रसाद भेटा करा सकते हो। सो सत्संग आप दर्शन कर इंटर हो रहे हैं, इधर गुरु साहब जी का वाहेगुरु स्थान बनया है। बड़ा वड्डा हाल पक्खा लाया एक लो जी आप हूँ आ गए बाहर, तो इधर लंगर हाल बनया हुआ बड़ा सोहना खुला स्थान इत बड़ा वधिया। तो इधर लंगर हाल है जी, ये लंगर हाल बड़े सोहने फलां बूटे लाए आ बाबा जी ने। तो उधर पर जानी शाह का एक स्थान है, वह भी तुम दिखाने। हाँ जी इधर आप बाहर आ गए, इधर एक स्थान बनया कहते जानी शाह का। इधर आज जोड़ा घर, इतने तुम जोड़े जमा करा के तो अपने दर्शन कर सकते हो। वो सामने रस्ता इधर बनया, उधर बनया जी स्थान बाबा जानी शाह। हाँ जी ये मेरे ख्याल इधर शायद ये दीवान हाल है जी, तो इधर गुरद्वारा बाबा जानी शाह। वाहेगुरु जिते बाबा पैर धरे सो पूजा आसन थापन सोआ। तो जिते जिते गुरु महाराज ने अपने चरण छो रखी है, चरण छो की धरती वो स्थान पूजन जो हो गए जी। तो बहुत सारे स्थान इस एरिए ने जिते गुरु साहब जी ने अपने चरण परसे, तो ये जड़िया जगह सुहाणिया हो गई। अज इन्हों सैकड़े साल बीत जाते भी संगत उस ही तरह नतमस्तक होंगे इतने, तो श्रद्धा पूरी होंगे गुरु महाराज श्रद्धा पूरी करते हैं। सो तुसी देख रहे हो जी जी एस इटालियन मीडिया पंजाबी न्यूज के राही आप सारी इनफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो आस करते हाँ तो तुम वधिया लगे होगा, फिर आप होर नवे थां जाके नवी जानकारियां का भरपूर करांगे। तो तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो तो शेयर भी करा करो ता जो आपूँ होर वधिया वधिया जानकारियां नाल होर लबरेज कर सकिए जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।